अस्सलामुअलैकुम मेरे देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हैं खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शलजम गोश्त बनाने की तरकीब बताऊंगी। ये मेरे घर में सबको ही बहुत पसंद आता है। रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3 पौंड हमारा मटन है, 2 टमाटर है, 1 बड़े साइज की प्याज है और 2 शलजम है हमारा, 2-2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच सफेद जीरा है, 2 चम्मच गरम मसाला है, नमक मैं 2 टेस्ट लूंगी, 2 चम्मची मिर्च है, 1 चम्मची हल्दी है और गार्निशिंग के लिए ये 4 हरी मिर्च है और 1 प्याली कटा हुआ हरा धनिया है और ये तेल है, लेकिन तेल मैं 4 चम्मच लूंगी। रेसिपी शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम तेल डालेंगे और ये पहले सफेद जीरा डालेंगे, थोड़ा ये हो जाए, ये गरम हो गया, फिर हम इसमें ये प्याज डालेंगे, प्याज को बहुत ज़्यादा देखिए लाल नहीं करना है, बस ना सफ़ेद रहे ना बहुत लाल हो, तो इसमें अब हम गोश्त डालेंगे। दो से 3 मिनट हम गोश्त को इसमें फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर मसाले डालना शुरू करेंगे। अब तुम यहाँ पर अब मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, ये लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे, और ये 1 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। तो बाद में ट्राई कर लूँगी, अगर कम होगा तो डाल दूँगी, कम नहीं होगा तो फिर आप लोग नमक जो है वो अपने हिसाब से डालिएगा। हर इंसान कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, मैं मीडियम खाती हूँ। अभी मैं पानी डालूँगी और पानी डाल के इसको मैं गलने पे रखूँगी। बहुत से लोग प्रेशर कुकर में बनाते हैं, लेकिन मैं इसको पतीली में बनाऊँगी। ये 50 मिनट लगेगा इसको गलने में, ये गोश्त गल जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मीडियम लो मैंने आँच रखी है, इसके ऊपर मैं शलजम को फ्राई करूँगी और गोश्त मैंने गलने के लिए दूसरे चूल्हे पर रख दिया है। मैं ये शलजम को फ्राई करके डालते हैं, बगैर फ्राई किए नहीं डालती हूँ। थोड़ा सा हम इसे तेल लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। फ्राई करिए और हल्का सा इसमें नमक डाल देंगे, ये तेल नहीं उड़े, बस चलिए फ्राई हो जाता है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब इसमें देखिए गोश्त गल गया है, ये बहुत अच्छा गला है, मैंने इसको पतीली में गलाया है तो हमारे को 50 मिनट लगा है और अगर आप प्रेशर कुकर में इसको गलाएं तो 10 मिनट बहुत है, 10 मिनट से ज़्यादा मैं इसको नहीं रखूँगी। तादेशी के लिए भी थोड़ा ये डालती हूँ और टमाटर डालती, थोड़ा टमाटर गल जाए उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये टमाटर थोड़ा नरम हो गया है तो फिर हम ये शलजम डाल देते हैं इसके अंदर, मसाला डालेंगे शलजम गलता है, फिर मैं डिश आउट करती हूँ, मैं आपसे फिर मिलती हूँ।
शलजम गोश्त तैयार हो गया है, इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी। बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है। आप लोग भी जाएं, इसको तैयार करें और इसको बना के फीडबैक दें और बताएं कि कैसा बना। फिर आपके पास मैं नई रेसिपी के साथ आऊंगी इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।